गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम टू बानिक यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आज आपका फरवरी करंट अफेयर्स है, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज के दिन का। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज सिलेक्टेड टू द होस्ट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। क्लियर, होस्ट फॉर WEF सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। कौन सी सिटी को आपका चौथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के हिसाब से सिटी के साथ सिलेक्ट किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए बेंगलोर, बी न्यू दिल्ली, सी हैदराबाद एंड डी इंदौर। क्लियर, आपके ऑप्शंस हैं क्या? आपके ऑप्शंस हैं ए बेंगलोर, बी न्यू दिल्ली, सी हैदराबाद एंड डी इंदौर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप लोग। क्लियर, जो भी इसका आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज सिलेक्टेड टू द होस्ट WEF सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? बेंगलोर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर। यस, क्लियर, यस अभिलाष होता जी, रिंकेश बहुत बढ़िया। बेंगलोर बहुत बढ़िया, रिंकेश पति जी, अभिलाष होता है बेंगलोर। यस, और कोई? और कोई जो अपना आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आप लोग। चलिए, और कोई? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हैदराबाद, नॉट बेंगलोर। क्लियर, हैदराबाद वाज सिलेक्टेड एज, रिमेंबर हैदराबाद। क्लियर, हैदराबाद वाज सिलेक्टेड एज द फोर्थ इंडस्ट्रियल आपका हैदराबाद, जो कि आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना का। ये आपका क्या है, तेलंगाना का ये कैपिटल है। क्लियर, इंदौर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? तो इंदौर आपको देखने को मिलेगा भोपाल में देखने को मिलेगा। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का जो रिकॉर्ड है पिछले 3-4 साल से कौन पा रहा है? तो ये पा रहा है आपका इंदौर। बेंगलोर, बेंगलोर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? तो बेंगलोर आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में देखने को मिलेगा। क्लियर, बेंगलोर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो बेंगलोर आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, तो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? करेक्ट आंसर विल बी योर हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दो नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए दो नंबर क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन यूनियन टेरिटोरी टू कंप्लीटली शिफ्ट टू द ई गवर्नेंस मोड। ई गवर्नेंस मोड में कंप्लीटली शिफ्ट करने वाला पहला यूनियन टेरिटोरी कौन बना है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लेह, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए आपको बता दूं, हमारे देश में आपके 8 यूनियन टेरिटोरी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, 8 यूनियन टेरिटोरी हैं, कौन कौन से? तो पहला तो हो गया आपका दिल्ली, हो गया आपका, उसके बाद पुडुचेरी हो गया आपका, पुडुचेरी हो गया आपका, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर हो गया जो रिसेंटली बना है, लद्दाख जो कि रिसेंटली बना है, और दामन दीव, दादर नगर हवेली, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे लेकिन अब इनको दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया है? यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे लेकिन अब इनको दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया है? एक ही यूनियन टेरिटरी कर दिया गया है। तो दामन दीव, दादर नगर हवेली हो गया आपका, दादर नगर हवेली हो गया आपका। 6 नंबर हो गया आपका चंडीगढ़, हो गया आपका चंडीगढ़, हो गया आपका।
नेक्स्ट अंडमान एंड निकोबार हो गया आपका, और लक्षद्वीप। तो ये 8 यूनियन टेरिटोरी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिल्ली, पोंडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन दीव, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। क्लियर? तो दीज आर द 8 यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। क्लियर? यूनियन टेरिटोरी का मतलब क्या होता है? तो यूनियन टेरिटोरी का मतलब होता है द एरिया विच इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट ना कंट्रोल करके क्या करेगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कंट्रोल करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, याद देखिएगा, यूनियन टेरिटोरी। यहाँ पे जो 8 यूनियन टेरिटोरी है उसमें याद देखिएगा, ये जो 5 यूनियन टेरिटोरी है इनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको बोलते हैं हम लोग आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्लियर? यहाँ पे जो ये 5 यूनियन टेरिटोरी है इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको बोलते हैं हम लोग आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर। 6 और 7 वाले को बोलते हैं, यानी कि चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको बोलते हैं हम लोग, याद देखिएगा, चीफ कमिश्नर। और लक्षद्वीप का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको बोला जाता है, याद देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर? लक्षद्वीप का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको बोलते हैं क्या, आपका क्या, एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम कंप्लीटली शिफ्ट द ई गवर्नेंस मोड। ई गवर्नेंस मोड का मतलब क्या है, सारा काम जो होगा वो क्या होगा, आपका ऑनलाइन होगा। रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाना है आपका, कोई भी सर्टिफिकेट इशू करवाना है, किसी प्रकार का लाइसेंस बनवाना है, तो सारा चीज जो होगा, सारा मॉड्यूल किसमें आ जाएगा, तो सारा मॉड्यूल आ जाएगा किसमें, आपका सारा आ जाएगा, आपका बोल सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से होगा। तो ऐसा करने वाला जो पहला यूनियन टेरिटरी बनाया है वो बनाया है आपका, याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? जम्मू कश्मीर बना है आपका पहला यूनियन टेरिटोरी। क्लियर हो गया आपका? तो ये हो गया 2 का आंसर, होगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, नेम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन हु पास्ड अवे रिसेंटली। दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जिनका रिसेंटली क्या हो गया, आपका देहांत हो गया, उनका नाम क्या है? लॉर्ड विलियम्स, केन टंका, रॉबर्ट डी योंग, जेनी कैलमेंट। लॉर्ड विलियम्स, केन टंका, रॉबर्ट डी योंग, जेन कैलमेंट। जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जो भी आपको इसका सही आंसर लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हु इज बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन, दुनिया के सबसे पुराने आदमी कौन थे, ओल्डेस्ट पर्सन कौन था जिसका रिसेंटली क्या हो गया, आपका देहांत हो गया। देखिए, इनसे पहले ये थे, केन टंका थे जिनका 118 साल तक ये जिंदा थे, अभी रिसेंटली इनका डेथ हुआ है 119 ईयर्स में, 119 साल में उनका देहांत हो गया है। ठीक है, मैं आपको हिंट्स दे दिया, नाम आपको बताना है। मैं आपको हिंट्स दे चुका, 118 साल में इनका क्या हो गया था, केन टंका थे जिनको आपका ओल्डेस्ट पर्सन थे, लेकिन उनको रिप्लेस करके अभी 119 ईयर्स में इनका डेथ हुआ है। क्लियर? इनका नाम है, याद देखिएगा क्या, यस, रोशन स्वाई, डी। क्लियर? इसका सही आंसर होगा आपका, याद देखिएगा, लॉर्ड विलियम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, रिसेंटली जेसिंडा एंड्रन हैज रिजाइन हिज पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सी बिलोंग्स टू विच कंट्री, कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं। जेचिन एंड्रन ने क्या किया, रिसेंटली आपका रिजाइन कर दिया है प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट से, तो आपको पता है कि वो कौन सा कंट्री से बिलोंग करती हैं, आयरलैंड आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं, बताइए। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, रोशन स्वाई, न्यूजीलैंड, बहुत बढ़िया। और कोई, रिसेंटली जेना एंडरसन हैज रिजाइन हिज पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सी बिलोंग टू विच कंट्री, कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं, आयरलैंड आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। यस, अभिलाष होता न्यूजीलैंड, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा आपका न्यूजीलैंड। क्लियर, न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं कौन, जैसिन एंड्रन, और वो रिसेंटली क्या किया आपका, अपना प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से क्या कर दिया है आपका, रिजाइन कर दी है। क्लियर, ऑस्ट्रेलिया आपको पता होगा न्यूजीलैंड के पास ही आपका एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। आइसलैंड आप लोग बोल सकते हो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड कंट्री है वो है कौन सा, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड कंट्री है वो है आपका, याद रखिएगा आइलैंड। क्लियर, मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड कंट्री, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड कंट्री कौन सा है, मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड कंट्री, क्लियर, तो मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड कंट्री अगर आपसे पूछता है तो मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड कंट्री होगा, याद रखिएगा जाभा, जाभा आइलैंड। क्लियर, जाभा आइलैंड जो कि आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा आपको, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, पॉपुलेटेड आइलैंड कंट्री है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो पॉपुलेटेड आइलैंड कंट्री है वो है आपका, याद रखिएगा कौन सा, तो वो है आपका जाभा आइलैंड। क्लियर, जाभा आइलैंड है, और अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखो तो आइलैंड अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, आइलैंड कंट्री है, और जहां तक बात किया जाए जैसिन एंड्रन की तो ये हो गई कौन सी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी, तो ये थी आपकी न्यूजीलैंड की थी। यस रोशन स्वामी, बहुत बढ़िया, क्रिस हैपकिंस, बहुत बढ़िया, न्यूजीलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बनी है कौन, तो वो बना है आपका क्रिस हैपकिन, क्रिस हैपकिन। क्लियर, क्रिस हैपकिन क्या है, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड कौन है, तो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड आपका क्रिस हैपकिन। क्लियर, क्रिस हैपकिन इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हाट, न्यूजीलैंड। क्लियर हो गया आपका इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं चार नंबर क्वेश्चन से, पांच नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी हैज नोटिफाइड इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर पराख रिसेंटली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंड ए इन परख, परख में ए का मतलब क्या है, ठीक है, परख में ए का मतलब क्या है पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इन परख, बताइए सही आंसर क्या होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इन सेकेंड ए, परख का मतलब क्या है यहां पे, अप्रेसल एनालिसिस अचीवमेंट असेसमेंट। देखिए परख तो पहला इसका पूरा हम लोग मतलब जान जाते हैं, आप लोग खुद इसका आंसर निकाल सकते हो परख, ठीक है, परख का मतलब क्या है, तो परख का मतलब है याद देखिएगा आपका परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। क्लियर, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ, यू कैन से डेट वॉट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख, परख का फुल फॉर्म क्या है, तो परख का फुल फॉर्म है याद देखिएगा आपका व्हाट, परख का फुल फॉर्म अगर आप लोग देखते हो तो परख का फुल फॉर्म है आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो सेकंड ए पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड ए, सेकंड ए का क्या होगा, तो सेकंड ए का होगा आपका असेसमेंट डी। क्लियर, सेकंड ए पूछा है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड ए इन परख, सेकेंड ए का क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, सेकेंड ए का क्या होगा आपका असेसमेंट, एनालिसिस कहां से हो गया। क्लियर, सेकेंड ए पूछा है आपको, क्लियर, परख का हो गया परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट।
क्लियर हो गया आपका ऑफ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली अनाउंस प्लान टू एक्सपांड इट्स गर्ल्स टेक स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया टू रीच 1 लाख एडिशनल फीमेल स्टूडेंट बाय 2024। रिसेंटली कौन सा कंपनी ने अनाउंस किया है इज एक्सपांड गर्ल्स फॉर टेक स्टीम एजुकेशन प्रोग्राम, गर्ल्स फॉर टेक एजुकेशन प्रोग्राम कौन सा कंट्री मैंने एजुकेशन ऑलरेडी चला रहा था जिसके तहत उसने टारगेट किया है कि एडिशनल 1 लाख स्टूडेंट को क्या करेगा 2024 तक क्या कर देगा आपका एड कर देगा। आपके ऑप्शन है अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे, मास्टरो और मास्टर कार्ड। नेक्स्ट अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे, मास्टरो एंड मास्टर कार्ड, क्या होगा सही आंसर इसका बताइए। तो 6 का आंसर क्या होगा आपका, ओके ओके यस, फर्स्ट एज असेसमेंट, सेकंड एज एनालिसिस, ओके ठीक एनालिसिस होगा ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे, मेस्ट्रो, मास्टर कार्ड। यस चलिए तो इसका सही आंसर होगा याद रखिएगा मास्टर कार्ड, डी मास्टर कार्ड। क्लियर, मास्टर कार्ड ने आपका गर्ल्स फॉर टेक्स टीम निकाला था एजुकेशन प्रोग्राम जिसके साथ उसने टारगेट किया है कि एडिशनल क्या करेगा आपका 1 लाख स्टूडेंट को क्या करेगा ऐड करेगा बाय 2024 तक क्या किया जाएगा एडिशनल 1 लाख स्टूडेंट को क्या किया जाएगा आपका ऐड किया जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नासा, जाक्सा, जाक्सा पर का नासा और जाक्सा, जाक्सा का मतलब क्या है देखो, यहाँ पे दो स्पेस एजेंसी मिले हुए हैं ठीक है। पहला तो यूएसए, यूएसए का स्पेस एजेंसी कौन सा है, तो यूएसए का हो गया आपका नासा, क्लियर। और जाक्सा, जापान का आपको देखने को मिलेगा कौन सा, तो जापान का हो गया आपका जाक्सा, क्लियर। जापान एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस एजेंसी आप लोग बोल सकते हो, क्लियर। तो यस क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आपका। तो यूएसए का हो गया नासा और जापान का हो गया जाक्सा। जियो टेल स्टडी अबाउट अर्थ प्रोटेक्टिव बबल इन, कौन सा लेयर में वो लोग अर्थ के प्रोटेक्टिव बबल के बारे में वो स्टडी करेंगे, एक्सोस्पियर, मेसोस्पियर, स्टाटोस्पियर एंड डी मैग्नेटोस्पियर। यस क्वेश्चन सुनाई, साइंस फॉर टेक, यस साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कौन सा लेयर में लोग स्टडी करेंगे बताइए मुझे, नासा और जाक्सा, नासा और जाक्सा कौन सा स्टडी, कौन सा लेयर में, आर्थ के कौन सा लेयर में आपका स्टडी करेंगे। देखिए अगर आप लोग देखते हो तो एटमॉस्फेयर के हमारे 5 लेयर है। सबसे पहला लेयर होता है आपका ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, दूसरा लेयर होता है आपका स्टाटोस्फियर, स्टाटोस्फियर, तीसरा लेयर होता है आपका मेसोस्फियर, क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका कौन सा, आयनोस्फीयर या फिर मैग्नेटोस्फीयर, और उसके बाद होता है आपका एक्सोस्फीयर। तो इस प्रकार से 5 लेयर होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, क्लियर, ट्रोपोस्फीयर, स्टाटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर या फिर मैग्नेटोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो कौन से लेयर में स्टडी करेंगे, यस रोशन सो अभिलाष होता, बहुत बढ़िया, मैग्नेटोस्फीयर, बहुत ही बढ़िया, क्लियर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी मैग्नेटोस्फीयर, क्लियर, मैग्नेटोस्पियर, मैग्नेटोस्पियर, मैग्नेटोस्पियर में लोग क्या करेंगे आपका स्टडी करेंगे। चलिए 8 नंबर पे आ जाइए, हु हैज वन द ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ए टॉप सिविलियन अवार्ड फॉर बहारियन, बहारियन कंट्री का एक टॉप सिविलियन अवार्ड है, तो उसको रिसेंटली कौन सा जीता है,
किसने जीता है? तारा देवी तुलाधर, दयावीर सिंह कंसाकर, पुष्पा बनसेंत एंड डॉक्टर संदूक रूत। किसने जीता है आपका? तारा देवी तुलाधर, दयावीर सिंह कंसकर, पुष्पा बनसेंत, डॉक्टर संदूक रूत। डॉक्टर संदूक रूत। क्लियर? किसने आपका जीता है? यस, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? डॉक्टर संदूक रोहित, नेपाल। बहुत बढ़िया। और कोई? क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, डॉक्टर संदूक रोहित। डॉक्टर संदूक रोहित। क्लियर? आंसर होगा आपका डी, डॉक्टर संदूक रोहित, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं। यस, नेपाल से बिलोंग करते हैं। यहां देखिएगा, नेपाल से। क्लियर? तो ह्यूमिनिटी के लिए क्या किया गया है इनको? हरियाणा का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, जिसको सम्मानित किया गया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे जाइए। रिनॉर्ड आसामीज पॉइंट नीलामणी पुखान पासिस एवे इन विच ईयर ही ऑनर्ड 56 ज्ञानपीठ अवार्ड। कब उनको 56 ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था? रिसेंटली इनका देहांत हो गया है। किसका? नीलामणी पुखान का। तो देखो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला तो क्वेश्चन पूछेगा कि नीलामणी पुखान कौन से, माने आप लोग सेक्शन से बिलोंग करते थे, कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे? तो आप लोग बोल सकते हैं कि भाई वो तो पोएट थे। कौन से कविता के राइटर थे, कौन से लैंग्वेज में अपना कविता लिखते थे? तो आप लोग बोल सकते हो कि आसामीज में लिख सकते थे। और यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था तो कब मिला था? क्लियर? कब मिला था? तो इस क्वेश्चन यहीं पे है आपका। कितना नंबर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? तो 56 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो क्वेश्चन आपको बहुत प्रकार से घुमा फिरा के यहाँ पे पूछ सकता है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो कब उनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 2017, 2018, 2019 एंड 2021। 2017, 2018, 2019 और 2021। यस, 2021। यस, और कोई? बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, 2021। क्लियर? 2021 तक क्या, 2021 में इनको मिला था क्या आपका 56 ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किसको? नीलामणी पुखान को पासेस किया गया था। क्लियर हो गया आपका? नेक्स्ट 10 नंबर पे जाते हैं। 10 नंबर क्या है देखिए। इंडिया इज करेंटली पार्टिसिपेटिंग इन एन इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2023 हेल्ड इन। इंडिया रिसेंटली क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर में। तो इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2020 कहां पे हुआ है? मैड्रिड, बार्सिलोना, सेविल, बिलबाओ। यस, बताइए सही आंसर क्या होगा आपका? इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2023 कहां पे हुआ है? मैड्रिड, बार्सिलोना, सेविल, बिबालो। यस, अभिलाष होता मैड्रिड। और यस, वो एनालिसिस होगा, ठीक है। वहां पे क्या सेकंड डे पूछा था, मैं बोला सेकंड वर्ड में ले लिया था वहां पे। क्लियर? और मैं सेकंड वर्ड को ले लिया था, दैट विल बी द एनालिसिस। यस, क्लियर, गुड अभिलाष होता जी। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ए, मैड्रिड। क्लियर? ए, मैड्रिड। मैड्रिड विल बी द करेक्ट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इन विच स्टेट डोनी पोलो एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड। कौन से स्टेट में आपका डोनी पोलो एयरपोर्ट को इनॉग्रेटेड किया गया है? क्लियर, कौन से स्टेट में आपको डोनी पोलो एयरपोर्ट को इनॉग्रेटेड किया गया था? कौन से स्टेट में, इन विच स्टेट डोनी पोलो एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड? डोनी पोलो एयरपोर्ट कौन सा स्टेट में इनॉग्रेटेड किया गया था? चलिए, एपी अरुणाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया, रोशन स्वाई अरुणाचल प्रदेश, अभिलाष होता अरुणाचल प्रदेश, यस अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेटेड किया गया था। याद देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जिसका कैपिटल है, याद देखिएगा ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश जिसका कैपिटल आपको देखने को मिलेगा ईटानगर में। क्लियर, तो वहां पर याद देखिएगा डोनी पोलो एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड किया गया था। क्लियर, अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश एक और कारण के कारण न्यूज में है, आपका फास्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है टू स्टार्ट मेडिसिन विथ स्काई फैसिलिटी, मेडिसिन विथ स्काई फैसिलिटी, मेडिसिन विथ स्काई फैसिलिटी, मेडिसिन विथ स्काई फैसिलिटी स्टार्ट करने वाला पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। देखिए, मैं इंडिया का पहला स्टेट नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है, ठीक है, पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है। क्लियर, ऐसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहला स्टार्ट हुआ था कहां पे, पहला स्टार्ट हुआ था आपका तेलंगाना में स्टार्ट हुआ था। याद देखिएगा, पहला स्टार्ट हो चुका था आपका तेलंगाना में स्टार्ट हो चुका था। क्लियर, पहला स्टेट जो कि मेडिसिन विद स्काई फैसिलिटी स्टार्ट किया था वो था तेलंगाना, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न में अगर देखा जाए यानी आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, इधर अगर देखा जाए तो जो पहला स्टेट बना है वो बना है कौन सा, तो वो बना है आपका अरुणाचल प्रदेश, टू स्टार्ट मेडिसिन विद स्काई फैसिलिटी। डोनी पोलो एयरपोर्ट के बारे में बात किया जाए तो इट इज वन टाइप ऑफ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। याद रखिएगा, एक प्रकार का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, यानी इस एयरपोर्ट को इस प्रकार से बनाया गया है कि एटमोस्फेयर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। क्लियर, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, और बहुत ही क्या, पर्यावरण को देखकर, एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया, इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। क्लियर हो गया आपका। अगर मैं यहाँ पे बात करूं झारखंड के बारे में तो आप सभी को पता होगा झारखंड का कैपिटल क्या है, झारखंड का कैपिटल याद रखिएगा रांची, झारखंड का कैपिटल क्या है आपका रांची। और रिसेंटली क्या किया गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, झारखंड में इनॉग्रेटेड किया गया, याद रखिएगा वैद्यनाथ कॉरिडोर, वैद्यनाथ कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया गया है। क्लियर, वैद्यनाथ कॉरिडोर का इनॉग्रेटेड किया गया किसके द्वारा, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया, कहां पे आपका झारखंड में ही किया गया है। क्लियर हो गया, और कुछ कॉरिडोर का इनॉग्रेटेड किया गया जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी इनॉग्रेट किया गया, आपने सुना होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, कहां पे, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इनॉग्रेट किया गया आपका वाराणसी में किया गया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। उसके बाद अगर देखा जाए तो महाकाल कॉरिडोर का भी इनॉग्रेशन किया गया है, महाकाल कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर का इनॉग्रेट किया गया है कहां पे, तो महाकाल कॉरिडोर किया गया है उज्जैन में, उज्जैन में, तो याद रखना है आपको, ठीक है। झारखंड में रिसेंटली क्या इनॉग्रेटेड किया गया है, तो झारखंड में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया आपका, याद रखिएगा वैद्यनाथ कॉरिडोर। वहीं अगर वाराणसी में देखा जाए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर किया गया है कहां पे, तो ये किया गया आपका उज्जैन में किया गया है। क्लियर हो गया, तो ये आप लोग इस प्रकार से रेट कर सकते हो। उत्तर प्रदेश का हो गया कौन सा, तो उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ और मध्य प्रदेश में आपका महाकाल कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया गया है। क्लियर हो गया आपका, तो ये आप लोग याद कर सकते हो आपका। और डोनी पोलो एयरपोर्ट कहां पे है, तो डोनी पोलो एयरपोर्ट है आपका, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, विथ विच कंट्री इज द रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट विच वॉज इन डिस्कस रिसेंटली। कौन से कंट्री में रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट को डिस्कशन किया गया है रिसेंटली? न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान।
With which country is the Respect for Marriage Act was in news, sorry, which was in discussion recently? New Zealand, America, Britain, Japan. बताइए तो रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट कौन सा कंट्री? रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट Respect for Marriage Act. यस बहुत बढ़िया अविलास होता जी अमेरिका बहुत बढ़िया क्लियर इसका सही आंसर होगा आपका अमेरिका। तो अमेरिका का जो सीनेट है याद रखिएगा अमेरिका के सीनेट से पास हो चुका है क्या? तो अमेरिका के सीनेट से पास हो चुका है आपका रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट। क्लियर अमेरिका के सीनेट से पास हो चुका है क्या? तो अमेरिका के सीनेट से पास हो चुका है आपका रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट को पास कर चुका है। पर रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट क्या है? इसके तहत क्या कहा जाएगा जो सेम जेंडर में जो मैरिज होते हैं, ठीक है, सेम जेंडर में जो मैरिज है, सेम जेंडर में जो मैरिज है उसको क्या कहा जाएगा? उसको रेस्पेक्ट दिया जाएगा और प्रोटेक्शन दिया जाएगा। रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन दिया जाएगा सेम जेंडर में मैरिज को। क्लियर मेल मेल फीमेल फीमेल का क्या होता है, समाज क्या करता है, बहुत बुरी नजर से देखता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? रेस्पेक्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया? एक एक्ट निकाला गया जिसका नाम है क्या आपका रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट। इस एक्ट का नाम है क्या? रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट। क्लियर कहां से पास किया गया? तो यह पास किया गया अमेरिका के सीनेट से पास किया गया है। समझ में आ गया सबको इतना? क्लियर। अच्छा रिसेंटली याद रखिएगा M80 रोमियो हेलीकॉप्टर, सॉरी M60 रोमियो हेलीकॉप्टर, M60 रोमियो हेलीकॉप्टर इंडिया क्या कर रहा है? बॉय करेगा कहां से? तो M60 रोमियो हेलीकॉप्टर इंडिया बॉय कर रहा है, याद रखिएगा, अमेरिका से, यूएसए से आपका इंडिया खरीद रहा है। इसके साथ साथ इंडिया और यूएसए के बीच में रिसेंटली क्या हुआ है आपका? एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हुआ है जिसका नाम है याद रखिएगा युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास बोल के क्या हुआ है आपका? एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुआ है किसके किसके बीच में? तो युद्ध अभ्यास बोल के एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुआ है आपका इंडिया और यूएसए के बीच में, कहां पे? तो ये हुआ है आपका उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। उसके साथ साथ याद देखिएगा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है इंडिया और यूएसए के बीच में, इन I2U2 बोल के क्या किया गया? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। क्लियर I2U2 क्या है? तो इंडिया कौन कौन मेंबर है इसमें याद देखिएगा, इंडिया, इजराइल, यूएई यूएसए। तो I2U2 बोल के भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है इंडिया इजराइल यूएई यूएसए के बीच में। क्लियर हो गया आपका? तो इस प्रकार से आपको याद कर सकते हो। तो याद देखिएगा रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट कहां है? रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट हो गया आपका अमेरिका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया देखिए, Which country has recently won the Excellence in the Leadership for Family Planning Excel Award 2022? Excel Award 2022 कौन सा कंट्री आपका जीता है? इंडिया, यूक्रेन, जापान, जर्मनी। इंडिया, यूक्रेन, जापान, जर्मनी। Excellence in Leadership for Family Planning Award 2022 कौन सा कंट्री जीता है? इंडिया, यूक्रेन, जापान, जर्मनी। यस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप लोग। Excellence Leadership for Family Planning Award 2022 इंडिया, यूक्रेन, जापान, जर्मनी। यस अपाचे हेलीकॉप्टर यूएसए, चिनूक हेलीकॉप्टर यूएसए। यस बहुत बढ़िया। बताइए तो फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 कौन सा कंट्री जीता है आपका?
बहुत बढ़िया, ब्लास्ट होता है इंडिया। क्लियर, तो ये अवार्ड जीता है किसके द्वारा? ये जीता गया आपका इंडिया के द्वारा जीता गया, याद रखिएगा। 2022 का फैमिली प्लानिंग लीडरशिप अवार्ड कौन सा कंट्री जीता है? तो ये जीता है आपका इंडिया, हमारा प्यारा भारत जीता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द पेरिस ओलंपिक एंड पारा ओलंपिक 2024? बहुत बढ़िया, 2024 के पेरिस ओलंपिक और पारा ओलंपिक का मोटो क्या है? ढाकड़, फाइरजेन कैप, मिराई टाउन, सोमिटी, बताइए। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ पेरिस ओलंपिक एंड पारा ओलंपिक 2024? यस, एनीवन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यस, शायद तक आपको नहीं पता ये लोग का इसका आंसर। यस अभिलाष जी, अविनाश जी, क्या हो गया आंसर बताइए इसका? बहुत बढ़िया, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, याद रखिएगा, फ्रिजियस कैप। क्लियर, फ्रिजियन कैप जो है, फ्रिजियन कैप इज द मैस्कॉट ऑफ पेरिस ओलंपिक एंड पारा ओलंपिक 2024। इसका मतलब ये आपको पता चल गया कि 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है, ठीक है, 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है वो कहां पे होगा? तो 2024 का जो ओलंपिक है वो होगा आपका, याद रखिएगा, पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है, पेरिस फ्रांस में आपका, याद रखिएगा, 2024 का क्या होने वाला है आपका, आपका ओलंपिक होने वाला है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए 2028 का ओलंपिक कहां पे होगा? 2028 का ओलंपिक कहां पे होने वाला है, किसी को आइडिया है क्या? 2028 का ओलंपिक कहां पे होगा? तो 2028 का ओलंपिक होगा, याद रखिएगा, यूएसए में होगा। ठीक है, 2028 का ओलंपिक कहां पे होगा? तो ये होगा आपका यूएसए में होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा था, अभी फिर ये क्वेश्चन आ गया। क्लियर, विच एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट ट्रेनिंग युद्ध अभ्यास 2022 विल बी हेल्ड इन उत्तराखंड? अभी रिसेंटली इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ये क्वेश्चन आपका न्यूज में आ गया। देखिए अभी हम लोग करंट अफेयर में अभी जस्ट बता रहा था आपको, ये रिसेंटली था, ये फिर आ गया। देखिए क्लियर, ये कहां पे हो रहा है तो जान लीजिए, ये तो हो रहा है आपका उत्तराखंड में हुआ है, हो चुका है ये ऑलरेडी। ठीक है, उत्तराखंड के औली डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, उत्तराखंड के औली डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है? तो उत्तराखंड के औली डिस्ट्रिक्ट में होगा, हो रहा है आपका युद्ध अभ्यास 2022, और ये आपका रिसेंटली 18th एडिशन। क्लियर, याद रखिएगा, 18th एडिशन, 18वां एडिशन हुआ है किसका आपका? तो इंडिया और यूएस के जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग का आपका 18th एडिशन ये हुआ है। इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया आपका युद्ध अभ्यास, एक होता है आपका, याद रखिएगा, वज्र प्रहार बोल के एक आपका होता है, उसके बाद एक होता है, याद रखिएगा, स्प्लिटिंग कोबरा बोल के एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है आपका, उसके बाद होता है मालाबार। एक्चुअली इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनका नेवल एक्सरसाइज है ये आपका, चारों कंट्री मिलके करते हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, मालाबार। उसके बाद हो गया आपका सेल्वेक्स, उसके बाद हो गया कौन सा आपका सेल्वेक्स। तो इस प्रकार से बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज सबके होते हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, वज्रप्रहार, स्प्लिटिंग कोबरा, मालाबार, सेल्वेक्स, युद्ध अभ्यास। क्लियर, तो ये जो रिसेंटली हुआ है कितना नंबर एडिशन हुआ है? तो ये हुआ है आपका, याद देखिएगा, 18th एडिशन आपका हुआ है। चलिए 15 नंबर खत्म होता है आपका, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के ऊपर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, इन विच कंट्री द साइड स्कोप 19 मीटिंग इज बींग हेल्ड फ्रॉम 14 to 25 नवंबर 2022? 14 से लेकर 22-25 नवंबर 2022 के बीच में कौन सा सिटी में आपका कॉप 19 मीटिंग हुआ था, साइड स्कोप 19 मीटिंग हुआ था, बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के आपका। इन विच कंट्री द साइड स्कोप 19 मीटिंग इज बींग हेल्ड फ्रॉम 14 to 25 नवंबर 2022? अच्छा, साइट्स का मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूं यहां पे लिख के, साइट्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, साइट्स और कॉप दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। कॉप का फुल फॉर्म है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि आपका फुल फॉर्म हो गया किसका आपका तो कॉप का फुल फॉर्म हो गया, साइड्स का फुल फॉर्म हो गया आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडर्स्ट स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा वाइल्ड फना एंड फ्लोरा क्लियर। तो ये आपका फुल फॉर्म हो गया किसका आपका साइट्स का फुल फॉर्म क्या है तो साइट्स का फुल फॉर्म है याद देखिएगा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडर स्पेसिस ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा और कॉप का फुल फॉर्म हो गया आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ठीक है कॉप का फुल फॉर्म हो गया आपका कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज और साइट्स का फुल फॉर्म हो गया आपका कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडर स्पेसिस ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा क्लियर। तो इसका जो रिसेंटली 14 से लेकर 25 नवंबर 2022 में हुआ था कौन सा सिटी में हुआ था कहां पे हुआ था तो ये हुआ था याद देखिएगा आपका पनामा सिटी पनामा में हुआ था क्लियर। अब पनामा आपको पता होगा आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा या फिर पनामा के बारे में आपने जाना होगा एक चीज है बहुत फेमस है वो है पनामा कैनाल ठीक है। पनामा कैनाल जो है जो कि क्या करता है आपका अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है किससे आपका पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है क्लियर पनामा कैनाल तो इसलिए पनामा का नाम आपने सुना होगा क्लियर। तो वहीं पे हुआ था क्या आपका तो वहीं पे हुआ था द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडर्स स्पेसिस ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा मीटिंग आपका 14 से लेकर 25 नवंबर 2022 को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 16 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है 17 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द वर्ल्ड फास्ट ड्रोन मेडिटेड लाइफ स्टॉक वैक्सीनेशन सर्विस कौन सा स्टेट में ओके रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द वर्ल्ड द फास्ट ड्रोन मेडिटेड लाइफ स्टॉक वैक्सीनेशन सर्विस इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं स्टार्टिंग में ही बताया आपको स्टार्टिंग एक क्वेश्चन में ही आपको बताया स्काई फ्रॉम मेडिसिन फैसिलिटी ओके मेडिसिन फ्रॉम द स्काई फैसिलिटी आपको बताया गया है ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग स्टार्टिंग से कर चुके हैं आपका ठीक है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई फैसिलिटी आसाम ओडिशा अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड ऑलरेडी मैं आपको पहला क्वेश्चन में ही बताया था क्लियर पहला क्वेश्चन में ही बताया गया था मेडिसिन फ्रॉम द स्काई फैसिलिटी यस बहुत बढ़िया विलास होता लिशा स्वाई बहुत बढ़िया इसका सही आंसर होगा आपका नॉट लिप्सा स्वाइन लिखिए डी नॉट इट विल बी द सी अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा इसको एक्चुअली बोला गया ये जो आपको बड़ा सा वार्ड दिख रहा है इसको बोला गया मेडिसिन फ्रॉम द स्काई फैसिलिटी ठीक है मेडिसिन फ्रॉम स्काई फैसिलिटी अरुणाचल प्रदेश मेडिसिन फ्रॉम स्काई फैसिलिटी क्लियर। तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पर 18 नंबर अच्छा ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लग रहा है हाँ व्हेन वाज द वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली इसका सही आंसर जान लीजिए आप लोग ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये इसका सही आंसर होगा 21 नवंबर ठीक है 21 नवंबर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 19 नंबर पे आ जाइए अच्छा हु हैज बिकम द फास्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू हैव 500 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम बताइए इसका सही आंसर क्या होगा you
Yes. Who has become the first person in the world to have 500 million followers on Instagram? Instagram में 500 million followers पाने वाले जो पहले इंसान बने वो कौन है? Lionel Messi, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo and Virat Kohli. What will be the correct answer? सबको पता ये, ठीक है? अगर आप social media में follow कर रहे हो तो social media में अगर आप लोग active हो तो आपको बारे में इसको idea होगा. इसके सही answer होगा आपका Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo will be the correct answer. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. 19 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है आपका. 20 नंबर आ जाइए. 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए. 20 नंबर क्वेश्चन दिया है इंडिया बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड. कितना नंबर पे आता है इंडिया आपका स्टील प्रोडक्शन में? कितना नंबर पे आता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. कितने नंबर पे आता है आपका इंडिया स्टील प्रोडक्शन में? स्टील प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो इंडिया कितने नंबर पे है, यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा है. क्लियर. बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. यस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. यस, अभिलाष होता जी सेकंड. बहुत बढ़िया. और कोई? यस, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड. ठीक है सर, करेक्ट आंसर विल बी द सेकंड. इंडिया कितने नंबर पे आता है? तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, याद रखिएगा, आपका स्टील प्रोडक्शन में. क्लियर. स्टील प्रोडक्शन में आपका इंडिया कितने नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है. फास्ट जो स्टेट है आपका स्टील प्रोडक्शन में, आप सभी को पता होगा, बताइए तो कमेंट बॉक्स में लिख के. पहला स्टेट बोल रहा हूं, सॉरी, पहला कंट्री कौन सा होगा आपका? फास्ट कंट्री, फास्ट कंट्री स्टील प्रोडक्शन में कौन सा है बताइए आपका? फास्ट कंट्री कौन सा है आपका स्टील प्रोडक्शन में? ओके, इंडिया तो सेकंड नंबर पे है, यहीं पे आपका मुझे बताइए कि पहला कंट्री कौन है आपका स्टील प्रोडक्शन में? फास्ट कंट्री कौन सा है आपका स्टील प्रोडक्शन में? Anyone कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. फास्ट कंट्री स्टील प्रोडक्शन में पहला कंट्री कौन सा है? यस, एनीवन? फास्ट इज चाइना. अविलास होता जी फास्ट इज चाइना. और कोई? यस, द करेक्ट आंसर विल बी द चाइना. पहले नंबर पे आता है, याद रखिएगा, आपका चाइना. चाइना इज द फर्स्ट कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड इंडिया इज द सेकेंड वन. अच्छा मुझे बताइए इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन होता है? फर्स्ट कंट्री इन द फर्स्ट स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया. फर्स्ट स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया. यस, सेकेंड नंबर पे हो, सेकेंड हो गया आपका इसमें कौन सा? सेकेंड कंट्री हो गया आपका इंडिया और थर्ड हो गया आपका जापान. जापान. मुझे बताइए इंडिया में पहला स्टेट कौन सा है? फर्स्ट स्टेट इंडिया में पहला स्टेट कौन सा है? इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है आपका? इंडिया में पहला स्टेट कौन सा है आपका बताइए तो. महाराष्ट्र, तमिलनाडु. जी नहीं, महाराष्ट्र तमिलनाडु नहीं है. देखिए पहला स्टेट है आपका उड़ीसा, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़.
24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2022 फीफा वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड टू बिगिन ऑन 20 नवंबर इन कतर, विच कंट्री वन द फाइनल ऑफ 2018 एडिशन इन रशिया। तो 2018 एडिशन का किसने जीता था आपको बताओ, 2022 का भी खत्म हो चुका है ऑलरेडी, तो 2018 का जीता था किसने आपको, फ्रांस ने जीता था, क्लियर। और आपको सबको पता होगा कि 2022 का किसने जीता है, तो 2022 का जीता है आपका अर्जेंटीना ने जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रस्पेक्टिव 2022 रिपोर्ट, इन विच ईयर इंडिया इज गोइंग टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ऑलरेडी हो चुका है आपका 2023 तक क्या होगा, इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री आपका दुनिया का बन जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सो दैट इज ये आज के लिए आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था जिसको आज हम लोग डिस्कशन किया। फिर आपसे मुलाकात होगा कल कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए बानी के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।